आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ वाराणसी। राष्ट्रीय राजमार्ग 731 बी मछली शहर वाराणसी भदोही मार्ग के चौड़ीकरण में प्रशासन द्वारा मिल रहे मुआवजे से असंतुष्ट किसानों सहित भूमि अधिग्रहण के जद में आने वाले परिवारों ने शनिवार दोपहर बाद उप जिलाधिकारी राजा तालाब अमित कुमार को ज्ञापन सौंप कर न्याय का गुहार लगाया। आरोप था कि हो रहे अधिग्रहण से कमसेठी नेवादा सिरहरा गजेपुर मटुका नोनखरा गोराई बड़ौरा जनसा कुरौना के किसान व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण में किसानों ने उनकी जमीन 32 एयर अधिग्रहित करने की नोटिस दी गई है, जिसकी मुआवजा सर्किल रेट के अनुसार नहीं दी जा रही है। साथ ही अधिकृत जमीन पर बने निर्माण का मुआवजा केवल 10 एयर का दिया जा रहा है, जबकि 32 एयर का मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा सड़क के चौड़ीकरण में अधिकृत की जा रही जमीन समेत उस पर हुए भवन निर्माण का भी उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत मनमाने ढंग से सर्किट रेट से कम कीमत तय कर मुआवजा दिया जा रहा है, जिसे हम किसानों द्वारा कई बार जिला प्रशासन सहित विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी राजा तालाब अमित कुमार का कहना था कि किसानों एवं व्यापारियों से पत्रक मिला है, जिसको SMLO ऑफिस भेज दिया जाएगा। पत्रक सौंपने वालों में प्रमुख रूप से जितेंद्र सिंह, शुभम सिंह, राजू सिंह, विनोद मौर्य, श्यामलाल मौर्य, शीतला प्रसाद, मुकेश कुमार सिंह, मनोरमा देवी, राजन सिंह, रमेश सिंह, राजबली सिंह, प्रवेश सिंह, शिवबली सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह। आप लोग यहाँ पे इतने सारे किसान आए, राजा तो क्या मामला है सर? मैं अजय कुमार सिंह, निवासी बिलासपुर, वाराणसी भदोही, जो स्टेट हाईवे सर वो आज की डेट में वो NF 731 घोषित किया जा चुका है सरकार, और सड़क चौड़ीकरण में जो जमीन अधिग्रहित की जा रही है उसमें किसानों का जो है रकबा दर्शाया गया है। मांग हमारी दो है, एक सर्कुलेट के बाबत और दूसरा जो है प्रतिकर और संरचना, यही दो मांग है। यहाँ जमीन के मांग लोग कहाँ पे आए हैं, किससे शिकायत दर्ज करा रहे हैं? यहाँ हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। किसान और व्यापारी वो कपेठी से लेकर के दिन कितने व्यापारी या किसान आए देने की, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर मांग पास दे रहे हैं, अगर यह मांगे यहाँ नहीं पूरी होगी आप लोगों की, अगला कदम क्या होगा आप लोगों? हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के साथ साथ हम लोग के सामने एक रास्ता बचता है आगे कोर्ट में जाने, हाई कोर्ट तक जाएंगे। सर इस जो चौड़ीकरण में कहाँ कहाँ के किसान प्रभावित हो रहे हैं? अकेलवा से लेकर के और वहाँ चौड़ी तक कितने किसान जो है प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी चीज कि जो अधिग्रहण के बाबत जो घोषित हुआ है प्रतिकर, वो सर्किल रेट जो आज के डेट में वर्तमान समय में 12,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, वहाँ पे 4,000 वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि रकबा जो घोषित किया गया है उसमें कितने लोगों का संरचना बना हुआ है, मकान बना हुआ है, उस पर जो है न कमर्शियल के हिसाब से दिया जा रहा है, न किसी चीज़ के हिसाब से दिया जा रहा है, और 4 फीट 5 फीट का केवल जो है संरचना का पैसा दिया जा रहा है, बाकी जो है 25 फीट 30 फीट या जितनी जमीन जा रही है वो उसमें जो है संरचना का ये घोषित नहीं है कि ये 5 फीट जमीन का संरचना है। उप जिलाधिकारी महोदय ने ज्ञापन लेते वक्त आप लोगों से क्या कहा? महोदय को भी जो है इस बाबत ज्ञापन दिया गया, जिलाधिकारी महोदय ने कोई जो है सुनवाई हम लोगों का नहीं किया, और उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन में जाइए, अपना जो करना हो करिए। सर जिसमें व्यापारी और किसान है, इसमें किसी ने किसी को अभी तक इसका मुआवजा कुछ को लिया है कि नहीं? कुछ लोगों ने जो है प्रतिकर के बाबत जो है जमा किया है, बाकी सारे किसान लगभग जो है 3 हिस्सा किसान मुआवजा नहीं।